हकीकत प्लस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। रात भर हमने देखा कि कब्र से नूर निकलकर आसमान तक जाता है, और फिर तुर्की में मौजूद ऐसी कब्र कि जिसकी वजह से गैर मुस्लिमों की पूरी आबादी मुसलमान हो गई। मजीद डिस्कस करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नबी मेहरबान सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कदर सहाबी हजरत अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक तुर्की के शहर इस्तांबुल में अय्यूब सुल्तान मस्जिद के अहाते में मौजूद है। आप हिजरत मदीना के मौका पर सबसे पहले अय्यूब अंसारी के ही मेहमान बने। मदीना में बहुत से लोगों की ख्वाहिश थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके घर क़याम करें, मगर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया था कि इनकी ऊंटनी जिसके घर के सामने जाकर ठहरेगी आप वहीं क़याम करेंगे। और फिर अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी हजरत अय्यूब अंसारी के घर जा ठहरी, और यूं आप अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो के मेहमान बने। अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो की वफात तुर्की में हुई। तुर्की का इस वक्त नाम कस्तंतिनिया था। इस्लामी लश्कर कस्तंतिनिया के करीब पहुंच चुका था और आप रजी अल्लाह ताला अन्हो भी इस लश्कर में मौजूद थे। अभी इस्लामी लश्कर हमलावर नहीं हुआ था कि ताऊन की वबा फैल गई और आप रजी अल्लाह ताला अन्हो भी इसकी लपेट में आ गए। अपने इंतकाल से कबल आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मुजाहिदीन को वसीयत फरमाई कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो जनाजे को लश्कर के साथ आगे महाजों पर ले जाना जहां तक हो सके, ताकि जब अल्लाह ताला पूछेंगे कि अबू अय्यूब तुम्हें इस बाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, बता अल्लाह के रास्ते में तूने क्या किया, मैं कहूंगा या अल्लाह जब मैं जिंदा था तब भी तेरे रास्ते में जिहाद करता रहा, जब इंतकाल हो गया तब भी मुजाहिदीन के साथ मेरी लाश चलती रही। चुनाचे लश्कर इस्लाम जब कस्तंतिनिया पर हमला आवर हुआ, इस दौरान आप रजी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हुआ तो जनाजा लश्कर के साथ ले जाया गया। कस्तंतिनिया मौजूदा इस्तांबुल के साहिल पर आप रजी अल्लाह ताला अन्हो की तदफीन की गई। सुबह मुकामी रूमी आबादी के लोग मुजाहिदीन के पास आए, पूछा ये कब्र किसकी है। बताया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जलील और कदर सहाबी अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो की है। रूमियों ने कहा हमने रात भर देखा कि कब्र से एक नूर निकलता है जो आसमान तक जाता है फिर वापस आता है। रात भर यही कैफियत रही। ये देखकर हमारे दिलों में इस्लाम की हकानियत उतर गई, लिहाजा अब आप लोग गवाह रहना के ईमान लाते हैं, पूरी बस्ती मुसलमान हो गई।